हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी आयशा ज़मान और आप देख रही हैं चिल्ड्रन स्माइल टाइम। आज का हमारा टॉपिक तो बहुत इंटरेस्टिंग है जो कि है फैशन। अब आप देख रहे होंगे कि फैशन है और गिलानी साहब हैं, मतलब कि क्या ये बातें मैच करती हैं कि नहीं, लेकिन ज़रूर करती हैं मैच। क्योंकि क्या मतलब आपको क्या लगता है कि वो क्या वो अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में फैशन नहीं करते होंगे? वो भी हमारी तरह एक स्टूडेंट थे, फैशन करते थे, सब कुछ करते थे। आइए जानते हैं उनकी लाइफ के बारे में और उनसे फैशन के हवाले से कुछ सवाल करते हैं जिनका शायद हमें ना पता हो। अस्सलाम वालेकुम गिलानी साहब। ये वालेकुम सलाम, क्या हाल है जनाब आयशा ज़मान साहिबा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आज बड़ा फैशन किया हुआ आपने। मैंने कब नहीं किया होता, मिस्टर ये बताए ना। अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा फैशन होना चाहिए जिसका हमारे सोसाइटी से कुछ थोड़ा बहुत लिंक भी हो ना। ये जो आजकल फैशन चले हुए हैं हमसाया मुल्कों को देख के और फिल्में देख के और फिर इंग्लिश और इंडियन फिल्में देख देख के जो हमारी बच्चियां जो है वो फैशन करना शुरू कर देती हैं, दैट इज़ नॉट डिज़ायरेबल। जी तो आप बताएं अपने यूनिवर्सिटी टाइम के बारे में, या जब आप पढ़ रहे थे तो आप क्या फैशन करते थे या एडमायर करते थे जो लोग फैशन करते हैं? फैशन तो मैं करता था लेकिन फेशल नहीं करता था। आपको जरूरत कहाँ होगी, अपनी जरूरत तो पहले कहाँ जरूरत होगी? अब तो कुछ बचा ही नहीं ना चेहरे पे, फेस ही फेस पे जो है वो स्पेस कितनी है। तो बहरहाल अपने दौर में हल्की फुल्की अल्लाह ताला ने रंग रूप ऐसा दिया होता, अब तो इम्तदाद ज़माना से और धूप की शिद्दतें और सफ़रों से, और मेरे ख्याल हम लोग पानी भी कम पीते हैं, उस वक़्त तो इतना होश भी नहीं था कि भी हमें एलोवेरा चिल्तन वालों का जो है वो पीना चाहिए ताकि हमारा फेस क्लियर रहे, और पानी ज़्यादा पिए हम लोग, और ऑर्गेनिक चीज़ें उस वक्त इस्तेमाल कर होती कर पता ही नहीं था हम लोगों को, शऊर ही नहीं था। ये तो नजम मजारी साहब का अल्लाह भला करे कि उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया तो हमें कुछ थोड़ी अवेयरनेस हुई है। तो हमारे दौर में तो उस वक्त जी 70s की बात है, उस वक्त लड़कियां करती थी, लेकिन उस वक्त का जो आम रूटीन था, ये जो चीज़ें आई हैं उस वक्त तो ये शैम्पू भी नहीं थे। हम लड़के तो हम जनाब लाइफ बॉय से पूरे के पूरे घर के 8-9 बहन भाई जो है ना वो नहा लेते थे, और देसी साबुन की गाची किसको कहते हैं ना, चक्की एक, उससे सारे घर के कपड़े माएँ हमारी धो के थक जाती थी। फिर ये सारी कुछ चीज़ें निकली, फिर ये वॉशिंग मशीनें आईं, फिर ये मेकअप की इंडस्ट्री जो थी उस वक्त, ज़ाहिर है पाकिस्तान नया नया बना था, वह लोगों के पास पैसे भी नहीं थे। तो उसके बाद फिर जब काफ़ी मतलब है कि दुनिया को देखा, दुनिया बदल गई, फिर फिल्में टेलीविज़न पर जब आना शुरू हो गई, चैनल्स पर चलनी शुरू हो गई, लड़कियों को लड़कों को आपस में फिर देखने, और फिर ये है कि भी कॉलेज को एजुकेशन भी उस वक्त नहीं थी, फिर को एजुकेशन जब बनी, हमारे दौर में को एजुकेशन शुरू हो चुकी थी, उसी इसीलिए तो वो है ना वो फैशन देख के तो डॉक्टर अपना हमारे जो क्या नाम है उस्ताद दामन पंजाबी के शायर थे, वो पहली दफ़ा कैंपस गए ना मुशायरे पर, तो देख के हैरान हो गए, तो कहने लगे कि ये स्कूल है कुड़ियां मुंडियां दा या फैशन दी कोई फैक्ट्री है। यूनिवर्सिटी को देख के कह रहे हैं, ओल्ड कैंपस को, अब न्यू में वो आते कभी अगर जिंदा होते न्यू को देखते तो वहाँ पर क्या होता है, तो ये स्कूल है कुड़ियां मुंडियां दा या फैशन दी कोई फैक्ट्री है, थे कुड़ी मुंडे नाल आऊं फिर दी जिवें अलजबरे नाल ज्योमेट्री है। तो हम उस वक्त भी हम पर थोड़ा सा एक मज़हब का भी वो था, और हमें अपनी पाकिस्तानी सकाफत पर भी नाज है भी और होना भी चाहिए। तो एक हद तक हम तो खैर क्या करनी है, इस्लाम में तो सुरमा तक मुसलमान मर्द अगर डालता है तो उसमें भी उसको थोड़ा सा वो तहफ़ है कि अगर ये खूबसूरत बनने के लिए डालता है तो ये नहीं चाहिए, ख़ातून के लिए अपने शौहर के लिए बनना संवरना ये इसकी इजाज़त देता है। बाकी जो है कि हम थोड़ी बहुत जाहिर है हम पर भी जवानी थी, हम पर भी शब हम पे भी जब शबाब था उठते थे गाम मुख्तलिफ। मैं किसी वक्त ये अपनी गज़ल सुनाऊंगा आपको इंशाल्लाह किसी और टॉपिक पे जब होगा। तो बहरहाल आजकल तो अजब फैशन है, कपड़े छोटे छोटे होते जाते हैं, अजब फैशन है, कपड़े छोटे छोटे होते जाते हैं, गरारे जांगिए लहंगे लंगोटे होते जाते हैं,
ये मत समझो कि हम खा खा के मोटे होते जाते हैं, वतन की फिक्र में घुल घुल के छोटे होते जाते हैं। जोटा जानते हैं आप, ये जो गाय का हस्बैंड होता है, बैल जिसको कहते हैं, पला हुआ बैल, उसको छोटा कहते हैं ना, पला हुआ बहुत ठीक ठाक किस्म का जो होता है। अजब फैशन है, कपड़े छोटे छोटे होते जाते हैं, गरारे जांगिए लहंगे लंगोटे होते जाते हैं, ये मत समझो कि हम खा खा के मोटे होते जाते हैं, वतन की फिक्र में घुल घुल के छोटे होते जाते हैं। और एक शेर देखिएगा, गजल का शेर है कि लगाते हैं वो जब, हाँ अजब फैशन, लगाते हैं वो जब, हाँ नहीं सॉरी, चलाते हैं वो जब तेगे निगाहो खंजरे अबरू। ये जो फैशन परस्त लोग हैं, लड़कियां जो हैं फैशन है। चलाते हैं वो जब तेगे निगाहो खंजरे अबरू, जवानों के जो दिल हैं टूटे टूटे होते जाते हैं, जवानों के जो दिल हैं। और देखिएगा ये फैशन भी हमारे, ये चंद साल पहले आया, रिवाज अब पल रहा है टिशुओं का वॉशरूमों में, ये भी फैशन। रिवाज अब पल रहा है टिशुओं का वॉशरूमों में, सियासतदान लेकिन फिर भी लोटे होते जाते हैं, सियासतदान लेकिन फिर भी लोटे होते जाते हैं। तेरी रंगत भी गोरी है, तेरा शौहर भी चिट्टा है। अब देखिए हिसाब करिए, जरा हिसाब लगाइए कि खुद भी चिट्टी है, उसका शौहर भी चिट्टा है, और ये इत्तेफाक कम ही होता है, लेकिन पता नहीं क्या लगाते हैं मुंह पर कि दोनों ही खुदा के फजल से बीवी मियां दोनों महज़ब हैं। अच्छा आपके राइट राइट हैंड पे देखे ना जरा, पड़ा हुआ मेरुला सीरम जो है चिंतन प्योर का, वो अगर उससे अब चिट्टे नहीं होंगे दोनों तो फिर क्या हो? ओए होए होए होए, ये दूसरा कौन सा है? ये विटामिन सी सीरम है, ये दोनों ही वाइटनिंग के लिए और एंटी एजिंग है। मैरूल, अच्छा एंटी एजिंग कौन सा है मुझे बताइएगा? आपको जरूरत है? नहीं आप तो छोड़े, आप बिल्कुल ना यूज करें, जरूरत ही नहीं आपको। ये मेरूला, मेरूला सीरम। घर वाली को तो बताएंगे ना कि ये लगाया करो, तो रतु भी एंटी। अच्छा तो मैरू, हाँ देखिए ना कुछ ना कुछ, तेरी रंगत भी गोरी है। अगर किसी को दरकार है तो अभी क्लिक कीजिएगा www.chiltanpure.com पे, हाँ अभी हमारा बंदा पहुंच जाएगा आपके पास। तो ये देखिएगा, तो तेरी रंगत भी गोरी है, तेरा शौहर भी चिट्टा है, तेरी रंगत भी गोरी गोरी, तेरी रंगत भी गोरी है, तेरा शौहर भी चिट्टा है, मगर बच्चे ये क्यों काले कलोटे होते जाते हैं, मगर बच्चे ये क्यों काले कलोटे होते जाते हैं। अजब फैशन है, कपड़े छोटे छोटे होते जाते हैं। जी तो आप बताएं गिलानी साहब कि आप अपनी एज में जब थे तो आप किस किसी को एडमायर करते हो, कि कोई फैशनेबल हो, कोई पॉलिटिशियन या कोई आपका बड़ा जो आपको, आप बहुत एडमायर करते हो उनकी फैशन सेंस? मैंने जनाब कायदे आजम जी का माशाल्लाह एक शख्सियत भी ऐसी, तो उसके बाद फिर उनकी वो नफासत जो थी लिबास की, उसमें ये सारी चीज़ें जो थी उनकी काउंट करती हैं। उनके बाद मैंने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम को देखा है, कायदे अवाम, वो कायदे आज़म थे, ये कायदे अवाम थे, उनकी भी जो है ना वो खुश लिबासी मशहूर थी, और वो जो ब्रांड भी पहनते थे वो वायरल हो जाता था। उन्होंने एक ख़ास किस्म का एक कोट पहना करते थे, जब शलवार कमीज़ उनका बड़ा वायरल हुआ था किसी ज़माने में, सब मिनिस्टर्स ने भी पहनना शुरू कर दिया, नौजवानों ने पहनना शुरू कर दिया। तो बेनज़ीर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, क्या कहने, वो अल्लाह ताला उसकी भी मगफरत करे, और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के भी, मैं तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का मद्दा उस वक्त हुआ जब उसने ये क्या कहते हैं ख़त्म नबूवत के महाज पर उसने एक डट के यानी एक बोल्ड कदम उठाया और उनको अपना मुद्दई झूठे मुद्दई नबूवत का पर्दा चाक किया और उनको अलग कर दिया आम मुसलमानों से, उसकी उनकी शनाख्ती अलग हो गई, जबकि पहले हमारे हुकूमतें नहीं कर सकी थी अवामी दबाव के बावजूद भी। तो इसलिए मैं तो उसका यह भी एक इसलिए भी मद्दा हूँ, और उनकी खुश लिबासी, उनकी ओरेशन, उनकी तकरीर,
उनकी बदला संजी, तो मेरे लिखना चाहूँ तो मैं बहुत कुछ लिख सकता हूँ उन पर। मैंने 2-3 कालम भी लिखे हैं उन पर, उनकी शख्सियत पर। हालांकि हम उस दौर में उनके मुखालिफ थे, मुखालिफ कैंप में थे, लेकिन बाद में ख्याल आया कि हमने झक मारी। उसको मुझ उसकी वजह कुछ उनके नेगेटिव पॉइंट्स भी थे। हर आदमी तो मुकम्मल नहीं होता, सवाए नबियों के हर एक में कोई ना कोई ऐब होता है। तो बहरहाल मैं उनकी बेटी बेनज़ीर भुट्टो, उसमें भी हम उनकी मुखालफ कैंप में रहे हैं अक्सर। तो लेकिन उनकी भी यही चीज़ें जो 2-3 हैं ना, इसमें मैं उनकी मद्दा हूँ, मैं उनका फ़ैन हूँ इस हवाले से। अच्छा जी, गिलानी साहब, ये जो आजकल फैशन हो रहा है, ये क्या आपको लगता है इखलाकी तौर पे ठीक है? ये हमारी इस्लामी रियासत है, तो इसमें क्या हमें ये लगता है अच्छा कि हम ऐसे ऐसी ड्रेसिंग करें, ऐसी चीज़ें अपनाएं? हाँ, आपका सवाल बड़ा अच्छा है, लेकिन इसका जवाब भी आप ही दे सकती हैं बेहतर तौर पर, क्योंकि हो सकता है कि आप जो फैशन करती हैं वो आपका अंदर से आपका भी ज़मीर कुछ बताता होगा कि आयशा इन्ना डीप भी नहीं चंगा होंदा मेकअप जरा। तो लेकिन बहरहाल मैं कहा करता हूँ कि ख्वातीन फैशन करें, लेकिन अपने हस्बैंड्स के लिए करें, दूसरों को दिखाने के लिए करती हैं तो उसमें एक तो गुनाह भी है, दूसरा ये है कि एक जायज़ हद तक करें, खामद को भी अच्छा लगना शुरू हो गए। ऐसा नहीं है दुल्हन तैयार होती है लाखों रुपये लगा के वो अपने आप को दुल्हन का वो मेकअप करवाती है, तो अगले दिन सुबह जब मुंह धोती है तो फिर वो शौहर डर के उठ के भाग जाता है कि हाय अल्लाह ये चुड़ैल कहाँ से आ गई, ये चुड़ैल कहाँ से आई है। तो एक लतीफ़ा भी है ना, मशहूर है, हमारे दोस्त सुनाया करते हैं कि उसने ना अपना पूछा कि तुमने कहाँ से अपने ब्यूटी पार्लर से दुल्हन का वो करवाया आपने, किस ब्यूटिशन से? उसने कहा फलां से। तो उसने कहा बहुत अच्छा है। सुबह जब उठी और उसने मुँह हाथ धोया तो मामला ही और था, तो बड़ा परेशान हुआ। उसने ना एक खूबसूरत सा आई फोन का ना नया जो नया मॉडल था आईफोन 12 है आजकल कानून क्या है, उसको जनाब डब्बा उसका लिया और उसके अंदर पुराना सा एक 3310 वो नोकिया का जनाब सेट कोई पड़ा हुआ था, उसको उसने उसके अंदर डाला और उसको गोटे किनारी लगा के शनील के डब्बे में डाल डूल के उसके एड्रेस पे ब्यूटिशन को भेज दिया। बड़ी खुश हुई कि लैबी किसी को मेरी दुल्हन बनी बहुत पसंद आई है। बड़े शौक से उसने खोला, नया डब्बा है, नया आईफोन, आ मज़ा आ गया। उसने जब खोला तो अंदर से वो निकला आईफोन डब्बे में से निकला वो 3310 पुराना। उसने कहा अल्लाह के बंदे, फ़ोन किया, उसने कहा ये क्या मेरे साथ मजाक किया आपने, शर्म नहीं आती आपको? उसने कहा बीबी आपने भी तो मेरे साथ मजाक ही किया, आपने भी तो बहुत खूबसूरत डब्बा बना दिया उसके अंदर, आपने भी तो यही किया। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमारा कल्चर, हमारी सोसाइटी, हमारा मजहब जहाँ तक इजाज़त देता है उस पर उस हद तक जाए, कोई हर्ज नहीं। चलिए तो गिलानी साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आज हमने बात की फैशन पर, और जो कि सब लोग आजकल कर रहे हैं, हम सारे लोग ही करते हैं, पर जैसे इनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें एक हद तक रह के ही करना चाहिए फैशन, जितना हमारी सूट हमें करे, ये हमें एक्स्ट्रा नहीं जाना चाहिए और किसी को कॉपी नहीं करना चाहिए। और आखिर में अब देखिए ना, ये भी कह दी कि अब जाते जाते बस एक, अच्छा चलिए जाते जाते एक दो कते सुना दें, एक दो कते सुना दें। अच्छा, हमारे अपना समझें कि ऐसे ये चिल्तन प्योर है, इनके भी काफ़ी सारी आपने मुझे बताई हैं, ये मरूला है, तो हमारी किशमिश वालों की भी तो हक बनता ना उनका भी, कि उनकी भी को बात करें, उनके पास भी एक चीज़ है। तो मैं कहता हूँ कि दोस्त एक खुश था बहुत ही नेक बीवी मिल गई, दोस्त एक खुश था बहुत ही नेक बीवी मिल गई, फाश पर्दा अब दुल्हन के चंद राजों से हुआ, फाश पर्दा अब दुल्हन के चंद राजों से हुआ, शब को उठकर फेस पर मिलती थी वो ग्लूटा गलो। ये किशमिश वालों की जो है, शब को उठकर फेस पर मलती थी वो ग्लूटा गलो, लोग समझे चेहरा नूरानी नमाजों से हुआ, लोग समझे चेहरा नूरानी नमाजों से हुआ। तो किशमिश के बाद फिर बादाम की तरफ भी आए, यानी चिल्तन प्योर की तरफ भी आए। रंगत भी सयाह आंख से भी कहानी लगे है, रंगत भी सया आँख से भी कहानी लगे है, किस मुँह से कहूँ तू मेरी दिल जानी लगे है,
किस मुंह से कहूँ, रंगत भी से आँख से भी कहानी लगे है, रंगत भी से आँख से भी कहानी लगे है, किस मुंह से कहूँ तू मेरी दिल जानी लगे है, किस मुंह से कहूँ तू मेरी दिल जानी लगे है, मैं रोला डबल कोड किया घर मेरी बनो, मैं रोला क्या है जी, मैरूला फ्रूट आयल है ये, मैरूला सिरम, मैरूला डबल कोट किया घर मेरी बनो, अम्मा है मेरे बच्चों की पर नानी लगे है, अम्मा है ये एंटी एज सेरम है आपको मालूम है, और दूसरा ये है, ये विटामिन सी सेरम है चिल्टन प्योर वालों के, तो ये इस्तेमाल कीजिएगा तो उस पर फिर आप देखिएगा, मारोला डबल कोट किया कर मेरी बन्नो, अम्मा है मेरे बच्चों की पर नानी लगे है, रंगत भी से आँख, रंगत भी से आँख से भी कहानी लगे है। ठीक है जी लाई साहब, बहुत मज़ा आया और हमेशा की तरह, और आप हमारा, हमें अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, हमारा शो आपको अच्छा लगता है, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और मुझे बहुत मज़ा आता है आप लोग साथ ही शो करने का, पर आप इनकरेजमेंट के लिए फीडबैक अपना देंगे तभी मैं इनकरेज होंगी और तभी मैं अच्छे कॉन्टेंट के साथ हाजिर होंगी। अभी फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिएगा, फिर मिलती हूँ, खुदा हाफ़िज़।